प्यारे भैया बहन, पिछली कक्षा में हमने ज्ञान भारती का पाठ एक राष्ट्रगीत पढ़ा था। आज हम पाठ दो पढ़ेंगे, कक्षा तृतीय, विषय ज्ञान भारती, पाठ दो, हमारा राष्ट्रीय प्रतीक। आज हम राष्ट्रीय प्रतीक के अंतर्गत राष्ट्रध्वज के बारे में पढ़ेंगे। हमारा राष्ट्रध्वज कौन सा है? तिरंगा। आइए पढ़ते हैं इस पाठ को। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। यह आयताकार है। हम सब जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और जो राष्ट्रध्वज है उसका नाम तिरंगा है, क्योंकि उसमें तीन रंग हैं, केसरिया, सफेद और हरा। आगे इस पाठ में हम पढ़ेंगे रंगों के बारे में। और 15 अगस्त को हम अपनी स्वतंत्रता दिवस के रूप में इसे मनाते हैं। हमारे राष्ट्रीय ध्वज का आकार कैसा है? हमारे राष्ट्रीय ध्वज का आकार आयताकार है। आयताकार मतलब रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के शेप में है। और राष्ट्रीय प्रतीक में तीन रंग है, सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद तथा नीचे गहरा हरा रंग है। सफेद पट्टी के बीच में अशोक चक्र है। इस चक्र में 24 तीलियां हैं। तीनों रंगों के अपने विशेष अर्थ हैं। केसरिया त्याग तथा साहस का प्रतीक है। सफेद सच्चाई, शांति तथा पवित्रता का प्रतीक है। हरा उत्पादन तथा खुशहाली का प्रतीक है। चक्र उन्नति को दर्शाता है। उन्नति मतलब प्रगति, यानी कि चक्र हमें बताता है कि हम दिन प्रतिदिन काम करते चलें। और इसमें 24 तिलियां इसलिए हैं ताकि हम 24 घंटे काम कर सकें, हमेशा कर्मशील बने रहें। और बाकी तीन रंगों का भी एक अपना अपना महत्व है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक महान सम्राट अशोक के सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। इसमें चारों दिशाओं में शेर का मुख तथा मध्य में कानून का चक्र प्रदर्शित है। इस चक्र को कहां से लिया गया है? तो सम्राट अशोक के सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की विजय होती है, इसी पर अंकित है। इस चक्र में और क्या अंकित है? ये चक्र जहां से लिया गया है अशोक स्तंभ से, उस स्तंभ पर सत्यमेव जयते वाक्य लिखा हुआ है, जिसका मतलब है सत्य की विजय होती है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत, भारत की राष्ट्रीयता भारतीय एवं भारत की राष्ट्रीय लिपि देवनागरी है। हमारा राजभाषा, हमारा राष्ट्रभाषा सब हिंदी है और हमारे हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है। हिंदी व्याकरण भी देवनागरी लिपि में है। और हमारा जो पंचांग चलता है, कैलेंडर, वह शक संवत के हिसाब से चलता है। आइए नीचे पढ़ते हैं। राष्ट्रगान, जन गण मन हमारा राष्ट्रगान है। इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने रचा था। हमारे राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। और हमारा राष्ट्रगीत क्या है? राष्ट्रगीत के बारे में आपने पिछले पाठ में भी पढ़ा था। हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम है और इसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने रचा था। हमारे राष्ट्रगीत की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। आज के लिए इतना ही। इस पाठ को अच्छे से आप लोग पढ़ लेंगे फिर से, मैंने इसे वीडियो में दे रखा है। और फिर इसके बाद अभ्यास कार्य है, उसे आप खुद से बनाएंगे, मैं आपको लिख कर दे दूंगी। आज पाठ तो समाप्त होता है, इसे अच्छे से पढ़ लें, याद कर लें और फिर फेयर बनाकर रेडी रखें, उसे चेक कर दिया जाएगा। धन्यवाद।